वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का खास शो बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त काजोल नारायण। आपके एंटरटेनमेंट में आज लगने जा रहा है नया तड़का। जी हां, तो हो जाइए तैयार ये देखने के लिए कि आखिर कैसे बाहुबली कर्ज में डूब गए, किसकी खूबसूरती से घायल हुए लोग, कौन कर रहा है अपनी रिंग फ्लॉन्ट, तो बिग बी के हुए बॉलीवुड में 52 साल पूरे। तो बिना देर किए उठाते हैं हर राज पर से पर्दा। बहुत जल्द फिल्म राधे श्याम से बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाले साउथ फिल्मों के सुपरस्टार प्रभास आजकल आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाहुबली फेम प्रभास 1000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे हुए हैं और ये वक्त उनके लिए काफी मुश्किलों भरा है। खबरों की माने तो प्रभास की खुद की प्रोडक्शन कंपनी यूवी क्रिएशंस और वी सेल्यूलाइड इस वक्त भारी नुकसान का सामना कर रही है, इसी वजह से वो इतने बड़े कर्ज में डूब गए हैं। खैर, हम तो यही दुआ करेंगे कि आपका ये मुश्किल भरा वक्त जल्दी से निकल जाए। बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा शादी के बाद जब पहली बार कैमरे के सामने आई तो वो बड़ा की खूबसूरत लग रही थी। लाल सुर्ख साड़ी, माथे पर टीका और बालों में गजरा लगाए दिया को जिसने भी देखा वो बस एक टक देखता ही रह गया। दिया ने जिंदगी में प्यार को दूसरा मौका दिया है। अपने घर पर कुछ करीबी लोगों की मौजूदगी में दिया मुंबई के वैभव रेखी के साथ शादी के बंधन में बंध गई। आपको बता दें कि दिया मिर्जा इससे पहले 2014 से 2019 तक साहिल संघ से शादी के बंधन में बंधी थी। इस जोड़े ने अगस्त 2019 में जारी एक बयान के साथ अपने अलग होने की घोषणा भी की थी। टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम हिना खान ने सगाई कर ली है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर उनकी अंगूठी पहने हुए फोटो तेजी के साथ वायरल हो रही है। हिना खान ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, वैलेंटाइन डे पर इससे खूबसूरत और क्या ही हो सकता है। हिना के इस पोस्ट को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। इससे पहले हिना खान ने अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के जन्मदिन पर भी रोमांटिक पोस्ट किया था। हिना ने अपने और अपने बॉयफ्रेंड की एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा था, पेंटिंग लव ऑल ओवर। हिना का यह अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। अब उन्होंने सच में सगाई कर ली है या ये गिफ्ट है, इसके बारे में ज्यादा न सोचकर इस जोड़ी को हम भी बधाई दे देते हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 52 साल पूरे कर लिए हैं। ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए महानायक ने लिखा, आज ही के दिन फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया था। इस मौके पर इंडस्ट्री के कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। बॉलीवुड के महानायक अपनी दमदार फिल्मों और अदाकारी की बदौलत आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। 15 फरवरी 1969 को अपने करियर की शुरुआत करने वाले महानायक बच्चन ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा अपने दमदार वीडियो और फोटोज को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक डांस वीडियो खूब देखा जा रहा है, जिसमें वो एक गाने पर कमाल का डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो में मोनालिसा की परफॉर्मेंस फैंस को काफी इम्प्रेसिव लग रही है। फिल्म कूली नंबर 1 के रीमेक गाने पर डांस करती हुई वो नजर आ रही है। मोनालिसा ने इस वीडियो को शेयर करने के साथ कैप्शन में लिखा है कि मैं बहुत समय से इस गाने पर डांस करना चाहती थी और आखिरकार वो मौका आ जा ही गया। चलिए बढ़िया है मोना, जो दिल करे वो करना भी चाहिए। और बॉलीवुड गपशप में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर लौटूंगी बॉलीवुड की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।